नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा अपने आप में ही अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय होती है। इसीलिए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु अमरनाथ जाते हैं। हालांकि जाने का रास्ता बहुत ही कठिन है, दुर्गम है। ऐसे में काफी सारे लोग जिनके साथ कोई शारीरिक समस्या है या फिर जो वृद्ध हैं, वो पैदल यात्रा करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए होती है हेलीकॉप्टर सर्विस। इस वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं कि किस तरह से आप हेलीकॉप्टर से अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं, टिकट्स कैसे बुक करा सकते हैं, कहां से बुकिंग करानी है, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा जाने के लिए दो मार्ग हैं। पहला जम्मू पहलगाम मार्ग और दूसरा जम्मू बालटाल मार्ग। इसलिए पहले आपको अपनी इच्छा अनुसार मार्ग तय करना होगा। अब मार्ग कौन सा चुने, ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो ये कि किस मार्ग के लिए हेलीकॉप्टर्स में सीट्स मिल रही हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर में सीट्स मिल पाना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। बहुत ज्यादा डिमांड होती है यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर्स की। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको रहने के लिए टेंट या कॉटेज किस रास्ते में आसानी से मिल रहे हैं। दोस्तों, इस यात्रा के लिए सबसे पहले आपको श्रीनगर पहुंचना है। श्रीनगर आने के लिए हर रूट से फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। पहले मार्ग के लिए हेलीकॉप्टर आप श्रीनगर से पहलगाम के लिए ले सकते हैं और फिर पहलगाम से पंचतरणी के लिए। अगर दूसरे मार्ग से आप जाना चाहते हैं तो आपको श्रीनगर से नीलग्रत के लिए हेलीकॉप्टर मिलेगा और फिर नीलग्रत से पंचतरणी के लिए। फिर पंचतरणी से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा। यहां से आप घोड़ा, खच्चर या पालकी कर सकते हैं। फिलहाल हेलीकॉप्टर सर्विसेज 6 कंपनियां दे रही हैं। ये हैं पवन हंस, हेरिटेज, एरो एयरक्राफ्ट, कैस्ट्रॉल एविएशन, थंबी एविएशन और ग्लोबल एविएशन। अब आपको हेलीकॉप्टर के फेयर के बारे में बता देते हैं। श्रीनगर से पहलगाम 10,800 रुपए वन वे पर पर्सन। श्रीनगर से नीलग्रत 11,700 रुपए वन वे पर पर्सन। पहलगाम से पंचतरणी के लिए 4,200 रुपए वन वे पर पर्सन और नीलग्रत से पंचतरणी के लिए 2,800 रुपए वन वे पर पर्सन। यानी कि अगर आप पहलगाम होकर पंचतरणी जाते हैं तो आने जाने का किराया 30,000 रुपए तक एक आदमी का लगेगा, और अगर नीलग्रत से होकर पंचतरणी जाते हैं तो आने जाने का किराया 29,000 रुपए एक आदमी का लगेगा। लेकिन यदि आप पहलगाम या नीलग्रत तक कार, टैक्सी या बस से पहुंचते हैं और वहां से हेलीकॉप्टर लेते हैं तो फिर आपका काम थोड़ा सस्ते में हो सकता है। पहलगाम से पंचतरणी एक आदमी का आने जाने का किराया 8,400 रुपए लगेगा और नीलग्रत से पंचतरणी का 5,600 रुपए लगेगा। टिकट बुक करने के लिए आपको एकमात्र अधिकृत वेबसाइट heliseries.jksaab.nic.in पर ही लॉगिन करना होगा। किसी भी एजेंट के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ये ध्यान रखना है कि अमरनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए सरकार ने सिर्फ एक ही वेबसाइट को ऑथराइज किया है। इसके अलावा और कोई भी वेबसाइट अधिकृत नहीं है। आपको सावधान रहना है क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पर आपको सभी जरूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। अब उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपकी हेलीकॉप्टर की यात्रा के लिए जरूरी है। सबसे पहला तो आपकी टिकट प्रिंटेड होनी चाहिए, हार्ड कॉपी नहीं होनी चाहिए। डिजिटली आप टिकट नहीं दिखा सकते। दूसरा, आपको अपना आईडी प्रूफ साथ में रखना है। बुकिंग के समय आपने अपना जो आईडी प्रूफ सबमिट किया होगा वही आईडी प्रूफ यहाँ भी लगेगा। तीसरा, हेल्थ सर्टिफिकेट जो आपने अपनी यात्रा से पहले दिए गए फॉर्मेट में बनवाया होगा वही आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। चौथा, आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड भी पास रखना होगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको हेलीकॉप्टर सर्विसेज के लिए रखने होंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको कुछ बातें और बता दूं।
पंचतरणी या नीलग्रथ में चल रही ये हेलीकॉप्टर सेवाएं इतनी फ्रीक्वेंट होती हैं कि लगभग एक मिनट के अंदर अंदर उसमें बैठे यात्री उतरते हैं और दूसरे यात्री उसमें बैठ जाते हैं। जो भी सामान वगैरह है वो पीछे रखा जाता है और आप आगे बैठते हैं। करीब 5 लोग एक हेलीकॉप्टर में बैठ पाते हैं। कई बार बारिश इत्यादि या किसी अन्य तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर सर्विसेज कुछ टाइम के लिए बंद कर दी जाती हैं। और ऐसा होना अमरनाथ यात्रा में आम बात है। अगर आपने टिकट्स बुक कराई हैं और हेलीकॉप्टर नहीं चल रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपकी यात्रा को नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। दोस्तों, अभी इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए बुकिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन अब कुछ दिनों में ये बुकिंग शुरू हो जाएगी। आप श्री अमरनाथ जी श्राइन.com से हेलीकॉप्टर बुकिंग की जानकारी ले सकते हैं। 13 साल से नीचे के बच्चे और 70 साल से ऊपर के लोग ये यात्रा नहीं कर सकते हैं। एक इंसान एक बार में केवल 5 लोगों के लिए ही बुकिंग कर सकता है। आप अपने साथ करीब 5 kg का बैग कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमने अमरनाथ यात्रा के बारे में जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो आपको बताने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।